हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ जो ये लुक शेयर किया है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल है। लगने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपको हार्ड लग रहा होगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप जरूर ट्राई करिए। आप इसी किसी वेडिंग फंक्शन ग्लैम लुक, पार्टी लुक, बोल्ड लुक है ये, आप तो चाहते हैं तो आप ये बहुत अच्छा आपको लुक मिलेगा, बहुत इजी तरीके से मिलेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा बट इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले जो मैंने अप्लाई किया था वो क्या था, अपनी आंखों पे बेस। आंखों पे बेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कंसीलर से पूरे आईब्रो पे, आईज पर अप्लाई किया था। सेकंड मैंने किया था अच्छे से मॉइस्चराइज, अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अपने आंखों का बेस अप्लाई करना जरूरी है। फिर मैंने अप्लाई किया आंखों के लिए पिंक आई शेडो। पिंक आई शेडो के मैंने आईलेट पर पहले अच्छे से उसका हाईलाइट पर अप्लाई किया। फिर मैंने अप्लाई किया है ये ब्लू कलर का जो मुझे चाहिए था, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का। उसके बाद कंसीलर से मैंने क्रीज बनाई है। अगर मैं कंसीलर से क्रीज नहीं बनाती तो जो मेरा ब्लू कलर है वो इतना खुल के नहीं आता और मेरा पिंक के साथ उसको मिस हो जाता, मैच हो जाता। तो इस वजह से वो मैच ना हो और थोड़ा सा ब्लू थोड़ा इनहेंस हो गया है, उस वजह से मैंने आईज को क्रीज किया है ताकि मेरी जो आईज है वो दो दो पार्ट में दिखाई दे। तो मैंने उसको मैंने बहुत अच्छा सा उसको क्रीज किया कंसीलर से। कंसीलर के बाद मैंने उसको जो है वो ब्लू कलर जो है वो अपनी आईज पर अप्लाई किया है। आधे हिस्से में मैंने ब्लू आईज को अप्लाई किया है, उसको मैंने पिंक के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं किया, बस जितना कंसीलर था उतना ही अप्लाई किया है। फिर उसके बाद जो है वो अप्लाई किया है मैंने लिक्विड आई शेडो, जो लिक्विड आई शेडो बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो वो मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा कुछ शाइनिंग कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा बोल्ड लुक देने के लिए, ग्लैम लुक देने के लिए मैंने मास्क और जो भी ग्लिटर आता है वो वाला प्लस अपना यहाँ पर सिल्वर कलर का उसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई किया है। सिर्फ ग्लिटर आई शेडो के ऊपर ही मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है, अलग से बिल्कुल ब्लू के ऊपर नहीं, पिंक के ऊपर नहीं, कहीं पर भी मैंने अप्लाई नहीं किया है। मुझे बहुत ही ईजी बहुत ही आसान मिल गया। और ऊपर जो मैंने अप्लाई किया है वो क्या है, लाइनर। आप हमेशा याद रखिए, अगर आप आई शेडो कलर वाले या कुछ क्रिएटिव आई शेडो लुक बना रहे हैं अगर स्मोकी के अलावा, तो आप ऊपर लाइनर ही लगाइए, वो भी पतला सा। अगर आप स्मोकी लुक देंगे, काजल से स्मच करेंगे, तो वो जो आपकी आई शेडो वो बिल्कुल लुक खराब हो जाएगा मेरे हिसाब से। मुझे बिल्कुल फिर वो आई शेडो को लुक नहीं आता है, अगर आप स्मच कर देते हैं तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको, फिर मैंने नीचे जो आईलेट पर अप्लाई किया है वो किया है यहाँ पर थोड़ा सा स्मच लुक दिया है मैंने, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया है काजल। काजल को अप्लाई करके मैंने ब्लैक आई शेडो के थ्रू उसको ब्लेंडिंग करके स्मच करके उसको सर नीचे से स्मोकी लुक दे दिया है। ऊपर मैंने लगाया है लाइनर, फिर अच्छे से मस्कारा लगाया है, हाइलाइटर लगाया है, और इस तरह से मैंने जो है अपने फेस को एक टेक्सचर दिया है कॉन्टोर के थ्रू। कॉन्टोर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टोर से अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो फेस है ना वो बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी नोज कितनी अच्छी डिफाइंड हुई है, मेरी नोज इतनी इतनी ज्यादा ऐसे ब्रॉड ऐसा नहीं है, बट मैंने अपने नोज को अच्छे से इसको डिफाइन किया है। अगर आप इस तरह का लुक करते हैं तो आपको नोज को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अपने कॉन्ट्रोरिंग की बिल्कुल लाइट कॉन्ट्रोरिंग की है, बिल्कुल डार्क कॉन्ट्रोरिंग नहीं की है। तो ये लुक मुझे बहुत अच्छा बहुत ही सिंपल लगा। आप जैसे साइड में देख पा रहे होंगे आपको कैसा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लुक सबके साथ शेयर करिए, ताकि बहुत ईजी तरीके से कोई बहुत अच्छे से ग्लैम पार्टी लुक क्रिएट कर सके। और आप किस तरह का लुक चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज।